हेलो लौंडे, और हाल चाल सब बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर में व्हाट इज ज़िगज़ैग कनेक्शन। ज़िगज़ैग कनेक्शन की हमें नीड क्यों पड़ी, हमें क्यों इतना चुल मचा कि हम ज़िगज़ैग कनेक्शन बनाए, भाई क्यों हमको चुल मची है। ठीक, आज उसी पे चर्चा करते हैं। चाय के साथ नहीं, मार्कर मेरे साथ, आपके साथ पेन। ठीक है, तो आपको तो ये तो पता है कि अगर हमारे जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में है, ठीक, जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में है ना, उसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी में या सेकेंडरी में अपने अकॉर्डिंग क्या लगा देते हैं, डेल्टा या स्टार कनेक्शन। ठीक, प्राइमरी में, जैसे ये प्राइमरी आपका है, ठीक, प्राइमरी में हम या तो डेल्टा करते हैं या तो स्टार करते हैं। अब मन यही होता है कि सेकेंडरी साइड स्टार रहता है, क्यों, क्योंकि इधर न्यूट्रल हमको मिल जाता है और वोल्टेज गेन भी मिल जाता है। अमूमन ये तो अमूमन सेकेंडरी साइड आपका क्या होता है, स्टार होता है। बट हम इसको यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी, या फिर दोनों साइड स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा कर सकते हैं, होता है ऐसा। बट हमको ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि हमको ज़िगज़ैग कनेक्शन चाहिए। ज़िगज़ैग का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, नाचो मत, यही होता है ज़िगज़ैग। अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कोलाइड हो जब आपको, तो उस टाइम में कुछ आपको ज़िगज़ैग कैसा पढ़ा होगा। ठीक, तो ज़िगज़ैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो इसमें भी होता है आपको टेढ़ा मेढ़ा कनेक्शन बनवाया जाता है, हम भी बनवाएंगे आपको टेढ़ा मेढ़ा कनेक्शन। अब देखिए होता क्या है ना, कि अगर हम इसकी बात करें ज़िगज़ैग कनेक्शन में, कि हमको भाई ज़िगज़ैग कनेक्शन की नीड क्यों पड़ी, तो हमको ज़िगज़ैग कनेक्शन की नीड इसलिए पड़ी कि मामला एक जगह फंस जाता है। कब फंसता है, मान लीजिए आपके पास थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है, थ्री फेज आप ट्रांसफार्मर है, ठीक, इधर आपका डेल्टा है, इधर आपकी जो वाइंडिंग्स है वो डेल्टा में कनेक्टेड है। मान लीजिए अमूमन ऐसा कंडीशन है कि आपको जो सेकेंडरी, जहाँ से आप आउटपुट ले रहे हैं, वो किस में है, डेल्टा में है। डेल्टा में आप बताइए, डेल्टा में न्यूट्रल होता है। आप बोलेंगे सर जी ना, डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता, तो फिर कौन सा न्यूट्रल होता है। इमेजिनरी न्यूट्रल हम मान सकते हैं, काल्पनिक न्यूट्रल हम मान लेते हैं, बट वो होता नहीं, क्योंकि हमारा कनेक्शन ही ऐसे ऐसे जुड़ा होता है, यहाँ पर न्यूट्रल का कोई चांस ही नहीं बनता। ठीक, अब यहाँ पर न्यूट्रल है नहीं भैया। अब जब न्यूट्रल नहीं है, तो मान लो हमको किसी कंडीशन में हमको ऑपरेट करना है सिंगल फेस मोटर या फैन या लाइट कोई भी। हमको मान लीजिए हमारा टारगेट क्या है, अब हमको नीड है यहाँ पे क्या, सिंगल फेस लोड को हमें ऑपरेट कराना है। इसके लिए नीड है अब हमारा क्या, एक फेज वायर, वन न्यूट्रल वायर। थ्री फेज है यहाँ पर, इसमें तो थ्री फेज के अब वायर आपको मिल जाएंगे, बट न्यूट्रल इसमें है नहीं है। जब न्यूट्रल नहीं है तो तुम इसको ऑपरेट कैसे करोगे, फंस गया मामला। हमको सिंगल फेज का फैन चलाना है, बत्ती जलाना है, इमरजेंसी में कुछ काम पड़ गया तो कैसे चला पाओगे, फंस गया मामला ना। इस कारण हमको डेल्टा में एक न्यूट्रल पॉइंट आ जाए, इस डेल्टा कनेक्शन में एक जुगाड़ से हमें कहीं एक ऐसा विधि जो इसमें न्यूट्रल पॉइंट ला दे, इसको ऑक्यूपाई करने के लिए, इस कंडीशन को फिल करने के लिए हमको ज़िगज़ैग कनेक्शन की नीड पड़ी। इसमें होता है क्या है ना, कि ये मिक्सचर कनेक्शन होता है। किसका हम इसमें लेते हैं मिक्सचर कनेक्शन, किसका, एडवांटेज ऑफ स्टार, एडवांटेज ऑफ डेल्टा, इन दोनों के, डेल्टा का कुछ लाभ होगा, इसका कुछ लाभ होगा, स्टार का, इन दोनों के लाभ को, एडवांटेज को मिलाकर हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करके हम बनाते हैं ज़िगज़ैग कनेक्शन, जिससे हमारा फुल फिल होता है अ न्यूट्रल पॉइंट। किसमें, डेल्टा में। ठीक, ये आपको अब पता चल गया कि हमको ज़िगज़ैग कंडीशन क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी। अब बात करते हैं हम, आपका अगर देखा जाए तो जो हमारा कनेक्शन होता है ज़िगज़ैग, वो दो टाइप का होता है, एक डेल्टा ज़िगज़ैग स्टार, एक दूसरा होता है स्टार ज़िगज़ैग स्टार। तो आज हम बात करेंगे स्टार ज़िगज़ैग स्टार की। ठीक है, स्टार्ट करें।
स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला है जो हमारा, अगर हम बात करें पहला, हमारा जो पहला है अगर हम ले स्टार ज़िगज़ैग स्टार, यानी होता क्या है कि इसमें आपका एक साइड प्राइमरी है, ठीक, एक साइड आपका स्टार पहले से ही है, दूसरे साइड आपको क्या करना है डेल्टा में आपको स्टार का जुगाड़ लगाना है, ठीक। इसका मतलब यह है कि इधर प्राइमरी है, इधर प्राइमरी है पहले से थ्री फेज ट्रांसफार्मर में। जब हम डेल्टा ज़िगज़ैग स्टार करेंगे, ज़िगज़ैग स्टार, ठीक, जब हम डेल्टा ज़िगज़ैग स्टार बोलेंगे तो उस साइड क्या होगा कि हमारा प्राइमरी में पहले डेल्टा रहेगा, प्राइमरी में भी हमारा डेल्टा होगा और सेकेंडरी में हमको डेल्टा का, सेकेंडरी में जो डेल्टा होगा उसमें हमको न्यूट्रल का जुगाड़ करना होगा। और इसमें पहले इसमें क्या होगा स्टार ज़िगज़ैग स्टार में हमारा डेल्टा भी प्राइमरी होगा और इसमें भी हमको जुगाड़ करना पड़ेगा क्या न्यूट्रल का, ठीक। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं स्टार ज़िगज़ैग स्टार का। तो इसका तो मतलब पहले है, आपको पता चल गया कि हमारा इनपुट है, इनपुट यानी प्राइमरी, वो हमारा क्या है स्टार है, तुम स्टार नहीं हो यहाँ पे स्टार है। तो हम इसको मान लेते हैं कि हमारा कॉयल यहाँ पे है, ऐसे थ्री फेज होगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू न्यूट्रल, ठीक। ये हमारा क्या है इनपुट है, इनपुट्स में डॉट्स पे करंट आता है, ठीक, आई ए आई बी आई सी। अब हम लेते हैं सेकेंडरी पे, सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी हम करते हैं ना कि हम हाफ हाफ टर्न को, मान लीजिए हमारा टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी में एन टर्न है, एन टर्न है तो एन बाई टू इधर बांटते हैं, एन बाई टू एन बाई टू, आधे टर्न को स्टार में जोड़ते हैं, आधे टर्न को डेल्टा जोड़ते हैं। देखें कैसे, देखिए मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी का मैं बता रहा, थ्री फेज अगर ट्रांसफार्मर है तो कैसे आपका ज़िगज़ैग बनता है। देखिए क्या करते हैं ना, मान लीजिए आपका को लिंब है, लिंब को तो आप जानते होंगे, ऐसा ही होता है, ठीक। तो होता क्या है ना कि यहाँ पे वाइंडिंग करते हैं, एक अपर एक सेकेंडरी, यानी आधी वाइंडिंग ऊपर करते हैं आधी वाइंडिंग नीचे। देखिए मैं मान लीजिए आपकी वाइंडिंग ऐसे है, एक ऊपर वाइंडिंग, एक आपका ऊपर एक करंट, जहाँ से हमें आउटपुट लेना है, जहाँ से हमें आउटपुट लेना है यहाँ से करंट बाहर जाएगा, तो ऐसे आया, ऐसे ऐसे दो दो फेरा मैं कर ले रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ से करंट बाहर जा रहा, यहाँ से करंट बाहर जा रहा, ऐसे ऐसे, ठीक, यहाँ से करंट बाहर जा रहा है, ठीक। यहाँ पे होगा आपका, मान लीजिए आप स्मॉल है, स्मॉल बी स्मॉल सी, यहाँ से करंट आपका बाहर जा रहा। अब ये तो हो गया अपर वाइंडिंग, मैं बता रहा हूँ कि ज़िगज़ैग स्टार कनेक्शन होता है कैसे है। अब जो लोअर वाइंडिंग है उसको मैं किससे कर देता हूँ, उसे मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ। तो जो लोअर वाइंडिंग है उसमें जो कनेक्शन होता है वो इस प्रकार रखता है ना कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे करंट कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा है, यहाँ से निकला ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो फ्लक्स हमारा अपर डायरेक्शन में होगा, फ्लक्स हमारा यहाँ पे अपर डायरेक्शन में होगा, अपर के कारण मान लीजिए फ्लक्स यहाँ पे ऐसे आया। तो हमको इस प्रकार यहाँ पे कनेक्शन करना है कि हमारा जो फ्लक्स है वो कैंसिल हो जाए। इसके लिए हम करते हैं सब्सट्रैक्टिव वाइंडिंग, याद रखिएगा सब्सट्रैक्टिव वाइंडिंग, उल्टा वाइंडिंग करते हैं जो घटाए, तो याद रखिएगा इसको लिए हम करते हैं सब्सट्रैक्टिव, सब्सट्रैक्टिव, सब्सट्रैक्टिव वाइंडिंग, जो हमारा फ्लक्स नेट फ्लक्स जीरो कर दे, नेट फ्लक्स जीरो कर दे।
तो फ्लक्स अपर वाइंडिंग करंट कहाँ पे आया, ऊपर आया, तो हमको क्या करना होगा, नीचे लाना पड़ेगा, नीचे इस दिशा में। इस दिशा में करंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको करंट को ऐसे फ्लो कराना होगा। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा था तो फ्लक्स ऊपर आया, इसमें करंट हमको ऐसे फ्लो कराना पड़ेगा, यानी हमको वाइंडिंग ऐसे करना पड़ेगा, कुछ ऐसे, तो करंट हमारा ऐसे फ्लो करे। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए हमारा करंट इसमें ऐसे फ्लो करें, ए इस दिशा में, इस दिशा में करंट ऐसे फ्लो करें, यहां से निकला ऐसे फ्लो करा, तो जो फ्लक्स होगा ये टर्न बराबर है, टर्न बराबर है, करंट सेम है, तो फ्लक्स जो होगा इधर एक एक एक, एक फ्लक्स इधर, एक फ्लक्स इधर, तो फ्लक्स कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जो इसका एक सिरा है यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, इनको कर देते हैं हम स्टार में, एक न्यूट्रल को मिल गया, तो जो निचले वाले को करते हैं उसको हम स्टार में कनेक्ट कर दिए। हमको डेल्टा में कनेक्ट लाना है, तो निचला वाला है क्या, नेशना वाला जो नीचे वाला वो है लोअर, जो बॉटम पे हमारा वाइंडिंग है वो हमारा न्यूट्रल पे हो गया। जो अपर है, अपर बचा, अपर को हमको हमको कर देते हैं डेल्टा में कनेक्टेड। देखिए कैसे डेल्टा हमारा कनेक्टेड कैसे का होगा, हम ये जो ये है इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, इसको यहाँ पे, और इसको जो वाया है ये वाला वायर, इसको मैं पीछे से ला के जो ये वाला है इसके यहाँ से जोड़ दिया। देखिए यहाँ से करंट गया, फिर यहाँ से, यहाँ से, फिर करंट यहाँ से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और यहाँ से पूरा सर्किट कंप्लीट करते हुए बाहर निकल गया। हो गया ना भाई, यहाँ से करंट देखे जा रहा है, फिर निकला, फिर निकला, यहाँ पे गया, अब यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और ये इससे जाके मिल गया, फिर करंट यहाँ से गया, देखिए निकला, निकला सर्किट कंप्लीट। तो ऊपर वाला जो है उसको हम कर देते हैं डेल्टा, नीचे वाला जो हुआ है उसको मैं कर दिया स्टार में। इस प्रकार हमको इंटरनल संरचना होता है हमारा जिगजैग में। अगर हम इसका वाइंडिंग खींचें ऐसे तो कुछ इस प्रकार आएगा, समझ आइए भाई, हमारा इस प्रकार आ जाएगा। देखिए ऐसे, ठीक, n बाय टू यहाँ पे हो गया, n बाय टू यहाँ पे, ठीक है। हमको मैं क्या किया था, बॉटम जो लेयर था, बॉटम लेयर था, मान लीजिए यहाँ पे मैं हमारा क्या है, ये हमारा A2 A1 है, मैं लिख देता हूँ, ये मान लीजिए स्मॉल A2 A1 B2 B1 C2 C1, ये हमारे इधर मान लेता हूँ A4 A1